नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं शार्क के सिलसिले में। जी हां, सार्क किरणों और स्केटर्स के साथ मिलकर वे उपवर्ग बनाते हैं। हालांकि शार्क अन्य से भिन्न होती हैं और अपने शरीर के आकार और सिर के प्रत्येक तरफ उन्हें गिल्स फाक के स्थान में सामान्य मछलियों के समान होती है। हालांकि कुछ उपवाद भी हैं। शार्क की त्वचा आमतौर पर सख्त होती है, जिसका रंग हल्का भूरा होता है और दांतों जैसी पापड़ियों से खुरदरी हो जाती है। उनके पास आमतौर पर एक मसाल विषम उल्टी पाई पूंछ भी होती है, नुकीले पंख और एक नुकीला थूथन आगे की ओर फैला हुआ होता है और निकले दांते। शार्क के आसपास कोई तैरने वाला नहीं होता है और ये ऊंचे पर डूबने से बचाने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। इनको विभिन्न के अनुसार शार्क की 400 से अधिक जीवन प्रजातियां हैं, जिसे वर्गीकरण के आधार पर 14 से 30 परिवारों में बांटा गया है। कई बड़ी प्रजातियां मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। सबसे बड़ी शिकारी शार्क जैसे सफ़ेद शार्क और टाइगर शार्क, जो अक्सर समुद्री वातावरण का शीर्ष शिकारी माना जाता है। अनेक शार्कों को रूप से पकड़ा जाता है, जहां हालांकि 20वीं सदी के अंत तक 21वीं सदी की शुरुआत से अत्यधिक मछली पकड़ने से शार्क प्रजातियों की आबादी काफ़ी हद तक कम हो गई। शार्क प्रजातियों का रंग लचीला होता है और क्रीम भूरा पीला स्लेट आदि तक भिन्न होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी से, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।